दो भाई एक नगरी, वहां पर एक महाराजा, उनकी महारानी। ये सिद्धे बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मा, जिन्होंने हमें पुराणों में अध्यात्म बरसाना सिखाया, उन्होंने इसकी रचना की। जिनके ही सानिध्य में, इन कथाओं में हम अध्यात लेना सीखे, तो ये रचना वैराग पाठ संग्रह में आपको दर्शन करने मिलेंगे। अध्यात पाठ मंजूषा में बड़े प्यारे प्यारे अध्यात्मिक पाठ, आप पढ़ो तो डूब जाओ। तो दो कुमार, क्या नाम था? देशभूषण कुलभूषण। माता दोनों कुमारों को बड़े स्नेह किया करती थी और संस्कार दिया करती थी। क्या संस्कार देती थी वो माता? आज मदन रेखा जंगल में अपने बेटे को संस्कार देंगे, लंबी डोरी तो वही सुनाएंगे संध्या के बिना। लेकिन ये माता क्या संस्कार दिया करती थी अपने कुलभूषण देशभूषण को। मंगलमयी मंगल करण शोदाती मां को बाबुना, मेरे लल्लीना आतम दिया देशभूषण मानो पूछे कि मैया वो आत्मा कहाँ है, कैसा है, तो माता क्या उत्तर दिया करती थी वीरवाणी अनुसार? काया प्रमाण तुम ब्रह्म रूप निरंजन चेतन लक्षण, तुम ज्ञान रूप शुद्धात्मा, जिनकी वाणी का सार है वो शुद्धात्मा काया प्रमाण ब्रह्म स्वरूप है। बड़े शुद्धात्मा निरंजन है, चेतना लक्षणमयी है। बड़े शुद्धात्मा जो ज्ञान रूप ज्ञानी हुए हैं वे निरंतर आते हैं, इसलिए वे ज्ञानी शुद्ध दृष्टि सम्यक्ति होते हैं और सम्यक दिशा में उनका प्रसार क्या कर दिया बोलो। वो माता क्या सिखा रही है कुलभूषण देशभूषण को, और ऐसे संस्कार दिए और छोटे भाई दोनों कुमार और उनकी एक बहन, उसका नाम था कमलोत्सवा। वो बहन उनके गुरुकुल जाने के बाद में हुई, ऐसा भी आता है और पहले छोटी थी भी आता। तो दोनों के दोनों कुमार गुरुकुल में अध्ययन के लिए चले गए। श्री देशभूषण कुलभूषण भगवान की गाथा, वो सबको ज्ञान विराग में आनंद प्रदाता। दोनों भाई बचपन में ही गुरुकुल चले गए। कहाँ चले गए बोलो भैया? कौन? कुलभूषण शुद्ध बुद्ध नहीं गर की कुछ अध्ययन में ऐसे लग गए, गृह त्यागी लक्षण विद्यार्थी का चेत में लाओ आनंद से उल्लास
से शिव मार्ग में आओ सुनो जी। दोनों ही कुमार बचपन में गुरुकुल के लिए चले गए और गुरुकुल अर्थात आनंद का कुल, आनंदी वर्ष का था। गुरु की सेवा में अध्ययन में लग गए हैं और कैसे अध्ययन कर रहे हैं, कौन कौन देशभूषण शुद्ध बुद्ध साहित्य धर्म शास्त्र न्याय आदि पढ़ लिए, थोड़े समय में ही सहज विद्वान हो गए। क्या पढ़ लिया? साहित्य धर्म शास्त्र न्याय शास्त्र और सब शास्त्रों को पढ़ने के बाद थोड़े समय में, कितने ज्यादा समय नहीं लगा, क्यों? पुरुषार्थ विशुद्धि विनय से निज ज्ञान विकसाता, गुरु का निमित्त मात्र ज्ञान अंतर से आता, अंतर्मुखी पुरुषार्थ में सद ज्ञान को पाओ, आनंद से उल्लास से शिव मार्ग में ज्ञान का विकास। कुलभूषण और देशभूषण को बहुत जल्दी सर्व ज्ञान हो गया। क्यों हो गया? पुरुषार्थ से विशुद्धि से और विनय से ज्ञान बढ़ता है और प्रमादि का कसाई का अभिनय का ज्ञान के नाश होता है। चंद्रगुप्त के सपनों में आता है कि पंचम काल में ज्ञान बढ़ता जाएगा, औषधियों के रस सूखते जाएंगे। उसका कारण क्या है? हमारे ब्रह्मचारी जी कहते हैं अंदर से भक्ति का रस सूख जाएगा, वात्सल्य का रस सूख जाएगा, तो औषधियों के रस भी बोलो सूख जाएंगे। एक ग्रंथ में आता है कुदरत तेरे परिणाम के साथ जुड़ी है। क्या बोले भैया? कुदरत तेरे प्रकृति तेरे परिणाम के साथ जुड़ी है। तेरा जैसा परिणाम होता है वैसा ही परिणाम होता है। ध्यान रखना, जो आप परिणाम कर रहे हो उसका दंड कोई दूसरा नहीं भोगतेगा, उसका दंड आपको स्वयं कोई भोगना होगा। आज का जो परिणाम है कल वही भविष्य बन जाएगा, इसलिए अपना जैसा भविष्य बनाना चाहते हो वर्तमान परिणाम को वैसा डालो। वो ही मारीची निगोदिया हो गया था और वो ही मारीची का जी महावीर हो गए, महावीर परमात्मा हो गए। जब भगवान की आज्ञा को टुकराया तो निगोद चले गए थे और भगवान की आज्ञा को सिंह पर्याय में भी माना तो भगवान बन गए। विनय से विशुद्धि से ज्ञान बढ़ता है। हमारा ज्ञान नाश क्यों होता जा रहा है? उसका कारण क्या है? हमारी विनय घटती जा रही है। पहले बड़ी विनयवान हुआ करती तो ज्ञान भी बढ़ता रहता। दोनों कुमार गुरुकुल में अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करते हुए पूरा ज्ञान उनको प्राप्त हो गया है। किसके कारण से? पुरुषार्थ से विशुद्धि से और विनय से ज्ञान आता है। गुरु तो निमित्त हैं, ज्ञान तो कहां से आता है? अंतरंग से आता है। कितने बावे ओई खो दिए
निज ज्ञान के बिना सुख लेस भी पाया नहीं निज भान के बिना। पुण्योदय से वैभव पाए हर भोग भी कितने उलझाया तड़प तड़प दुख पाया मोए बसी सिने। जिन वाणी का अभ्यास कर अब होश में आओ आनंद से उल्लास से शिव मार्ग में आओ। कितने वक्त हो अनादि से आप ज्ञान के बिना धर्म ज्ञान के बिना अनादि चला गया और पुण्योदय का वैभव मिलते हैं। पहले उलझता है फिर सड़कता है। क्या करते हैं वो मछली रहती है ना मछली पहले जाल में क्या करती है उलझ जाती है फिर क्या करती है तड़पती है। भैया तड़पना ना हो तो उलझना नहीं। इनमें उलझोगे फिर तड़पोगे तड़प तड़प करके दुख सहना अच्छा ना लगता हो तो आत्मा के अतिरिक्त कहीं सुख नहीं मानना। आत्मा के अतिरिक्त किसी को अपना नहीं कहना उनको अपना कहना ही अपने लिए दुख के गर्त में डालना। कभी भी तूने अपना ज्ञान नहीं किया अब तो जिनवाणी का अभ्यास करके होश में आ जाओ। क्या होश में आ जाओ कि मैं तो चैतन्य लक्षण का धनी भगवान आत्मा। दोनों कुमारों ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में स्वाध्याय की कला सीखने के बाद में गुरु महाराज के निकट से अपने नगर की ओर आए और नगर की ओर आए हैं तो क्या हुआ रे पढ़ लिख कर घर आने की थी तैयारी जिस समय रे इंद्रपुरी सब नगरी की शोभा थी उस समय। नगर कैसा सजा दिया गया था मानो इंद्रपुरी हो। खुशियां खुशियां चारों तरफ हमारे राजकुमार आ रहे हैं हमारे राजकुमार आ रहे हैं हमारे राजकुमार आ रहे हैं। जैसे कुलभूषण देशभूषण के आने के पहले नगर सज गया ऐसे ही सम्यक दर्शन के आने के पहले तुम्हारी नगरी सज जाएगी। खराब स्थानों पर पवित्र पुरुष नहीं आया करते। ऐसे ही यहां हिंसा है झूठ है चोरी है कुशील है पापाचार चल रहा है वहां शुद्ध आत्मा नहीं आता। हम मान ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहे शुद्धात्मा आ क्यों नहीं रहा। अरे तीर्थंकर परमात्मा जहां पदार्थ है वहां रत्नों की वर्षाएं होनी रहती हैं। तो तीर्थंकर परमात्मा का परमात्मा पधारेगा तो परिणति कैसी होगी। कह गए भैया संकेत जी तीर्थंकर परमात्मा जिसे परमात्मा कहते हैं से आत्मा के आने के पहले सम्यक्त के आने के पहले हमारी परिणति कोई अद्भुत हुआ जाया करती है। नगर की ओर आ रहे हैं पुराणों में प्रसंग आता है माता रुक्मणी ने उनसे नारद जी से जब पुत्र का वियोग हो गया प्रद्युम्न का तब नारद जी खबर लगा के लाए कि प्रद्युम्न कुमार 16 वर्ष की अवस्था में आएंगे। प्रद्युम्न चैत्र पड़ा होगा तब रुक्मणी ने पूछा क्या आप ये बताइए जब मेरा पुत्र आएगा तब क्या होगा। बोले जो सूखी बापिकाएं हैं वे भर जाएंगी जो सूखी बगिया है वो हरी भरी हो जाएगी। तुम्हारे अंदर इसने उमड़ रहा होगा हवाएं बड़ी पवन बह रही होंगी समझ लेना तुम्हारा पुत्र आ गया। ऐसे जब तुम्हारे हृदय में अहिंसा सत्य आचर ब्रह्मचर्य है परिग्रह का परिमाण आ जाएगा हमारे यहाँ रात्रि भोजन आदि के त्याग होंगे हमारे प्रातः काल भोग आयतनों में नहीं इन जिनायतनों में जाने लगेगा। जब हम जिनवाणी का अभ्यास कर रहे होंगे जब हम जिनिंद की भक्ति कर रहे होंगे जब हमारा हृदय ज्ञान वैराग्य से भीग गया होगा समझ लो आत्मा आने वाला है।
रुक स्थानों पर नहीं आता आत्मा, आत्मा वहां आता है कायगा आत्मा, जहां पर परमात्मा आते हैं वहां आत्मा आता है। क्या किया, पूरी नगरी सज गई, तेरी भी नगरी सज जाएगी जब सम्यक आएगा। और क्या अनेक राजा गणों ने सोचा, कुलभूषण और देशभूषण दोनों कुमार नगर में आ रहे हैं और आज इतने वर्ष के बाद दोनों कुमार आए हैं तो अपनी कन्याएं ले लेकर के आ गए। कौन आ गए? विवाह के लिए। निज कन्याएं लेकर अनेक राजा आए थे, देखा नहीं सुन करे वे मन में अरसाए थे। राजकुमारों, ये नगर सज गया है और तुम्हारे विवाह के लिए अनेक राजा अपनी राजकन्याओं को लेकर के आई हुए हैं। राग की भूमि थी, विकल्प आया और प्रसन्न हो गए। लेकिन भैया राग की प्रसन्नता तो खिन्नता को लाने वाली है। और क्या हुआ, सपने संजोए थी कन्याए उनको वरने की, उनमें भी और लगी थी उनके चित को हरने की, पर मंगल जैन पुरा। तो कन्याएं भी सोच रही थी हम अपने स्वामी का वरण करेंगे और कुलभूषण देशभूषण विचार कर रहे थे उनके मन का हरण करेंगे और ऐसे राग में चले आ रहे। भैया ये जो मोह की दुनिया है ये तो सपने की दुनिया जैसी है, ये तो उस जैसी है जैसे वो परिग्रह के प्रसंग में उदाहरण आता है कि बेचारा उसका सब लुट गया तो एक झोपड़ी में रहने लगा था, लोग उसको दया करके मई दे दिया करते थे। मई बोलते क्या, वो छांच उसमें से थोड़ा सा कुछ निकालता वो, और निकालते निकालते दो चार साल में, 10-20 साल में उसने 50 ग्राम घी इकट्ठा कर लिया। क्या कर लिया, ऊपर नैनू मैनू बचता है। अब वो 50 ग्राम के 10-20 तो कुछ दिन बाद थोड़ा 200 ग्राम घी हो गए। अब वो सोचने लगा, हुआ अब तो अपने पास इतना घी हो गया, रात्रि में सो रहा है, दीपक पास में जल रहा है और लेटा हुआ है, सोच रहा है कि 200 ग्राम है 250 ग्राम जो भी 200 घी हो गया है, अब ये घी है पास में, दीपक जल रहा, अंगीठी जल रही और घी रखा हुआ। भैया वहां घी मत रखो जहां अग्नि हो, ऐसी वहां मत बैठो जहां अग्नियां हो, नहीं तो जल जाओगे वहां। और लेटा था वो, कह रहा है अब कुछ दिन बाद में एक बकरी खरीदूंगा, इसको बकरी से भैंस लूंगा, गाय लूंगा, गाय से भैंस लूंगा, फिर मैं नगर का धीरे धीरे करके बहुत बड़ा वो बन जाऊंगा, फिर नगर का है, नगर में कौन होते हैं, नगर का संभाल, नगर सेठ हो जाऊंगा, और नगर सेठ क्या उसको संभालते हुए फिर आगे जाकर मैं नगर का इस राज्य का राजा हो जाऊंगा, और इसको मेरा जब वैभव बढ़ेगा तब राजा होने के बाद अरे अनेक रानियां होंगी मेरी, और वे मेरी सेवा कर रही होंगी, हाथ पैर दबा रही होंगी, और जब वो पैर सही नहीं दबाऊंगी तो मैं ऐसे पैर मारूंगा। बेचारा मूरा घुल गया, जोर से पैर मारा और वो घी फैला और दीपक जो जल ही रहा था, अंगीठी जल रही थी, वो भुकभुका उठा और वो सोच रहा मैं ऐसे मारूंगा ऐसे मारूंगा। और तब तक तो मारो का झोपड़ी थी घास फूस की, और वो जल उठी बड़बड़ बड़, और वो चिल्लाया हाय हाय, ऐसी सपने में हम चले जाते।
अरे अरे भाई मैं ऐसा मकान बनाऊंगा, प्रे करूंगा, करूंगा, मरूंगा करता हुआ जीवन चला जाता है, अंत में क्या होगा। कुलभूषण देशभूषण भी सोच रहे थे और वे भी सोच रहे थे, ज्ञानी सचेत करते हैं ओन आर सो वे क्या होगा, विकल्प मत लाओ, इधर तैयारियां चल रही थी और क्या होता है, छोटी बहन कमलो सभा अपने भैयाओं को याद किया करती थी, हैं? मेरी बहना थी उस बहन को, क्या नाम था, कमलो शर्मा। और भैया बोले बेटे भाई आ गए, कहां है मुझे तो दिखी नहीं रहे, कि यहां से नहीं दिखेगी ऊपर चढ़ देख, ऐसी आत्मा नीचे जमीन पे नहीं दिखेगा, ऊपर चढ़, कहां चढ़, इन विभावों से पार हो जा, निरंजनम चेतना लक्षणम, निरंजन हो जा, अंजन छोड़ दे और चेतना लक्षण में भगवान समझ में आ जाए। मां वो बेटी कमलोत्सवा पहली मंजिल, तीसरी मंजिल और वो सातवीं मंजिल पहुंच गई, और सातवीं मंजिल से ही भैया सही नहीं दिखे तो सातवीं मंजिल भी छोड़कर आठवीं में पहुंच गई। ऐसे सात तत्व का भी विकल्प छोड़कर उसे न्यारा, चैतन्य को ज्ञानी न्यारने लगता है, क्योंकि इन सात मंजिलों में भी भाई नहीं दिख रहे तो सात मंजिल से पार हो गई। इन सात तत्वों में नौ पदार्थों में भी देखने पर आत्मा नहीं दिखता, इसलिए इनसे परे होकर शुद्धात्मा को ज्ञान। तो जो कह जाते हैं हम पता है, हैं? कहानी नहीं सुनाते संकेत जी, वो ऊपर से देख रही थी अपने भाइयों को, वाह मेरे भैया मेरे भैया मेरे भैया, बड़े प्रसन्न मन से देख रही थी, प्रसन्नता के लिए तुम प्रसन्न चित्त से जिन वाणी को स्वाध्याय करो, प्रसन्न चित्त से जिन भगवान को देखो, प्रसन्न चित्त से आत्मा का चिंतन करो, जीवन में सदा प्रसन्नता रहे, देख रही है और बड़ा उल्लास एकटक होकर देख रही है, कोई पाप तो नहीं लग रहा, बोलो क्यों, भैया है भैया है, और क्या देखते हैं, और दोनों राजकुमारों की निगाह उस राजकुमारी पर पड़ती है। आते देखा उन भ्राताओं को, आते हुए उन राजपुत्रों को दिखी कमला, उल्लास से जिसकी दिखी तन कांति अति विमला, प्रसन्नता से तो चेहरा और प्रसन्न। आजकल वे ऊपर ऊपर का पोतते रहते हैं, हैं? लेकिन प्रसन्नता ही सबसे बड़ा सौंदर्य प्रसादन है। अब आम अच्छे दिखें, अच्छे दिखें तो अच्छे देखो, अच्छों को देखो, देखोगे तो अच्छे दिखोगे, वो प्रसन्न थी, और जब प्रसन्न थी तो सौंदर्य तो उनका था ही, शील का सौंदर्य और शरीर की कांति भी अधो, तो देखते ही उन कुमारों को क्या हो गया, कर्म बस दोनों ही उस पर लोभ थे हुए, मन में विवाह की उसे लाल साली, लखरे विचित्रता अरे सचेत हो जाओ आने
से उल्लास से शिव मार्ग में आओ, सुनो जी मंगल जैन पुरा। एक भाई ने देखा, वाह क्या रूप है। अरे भैया, जिन रूप को नहीं देखोगे और चिद्रूप को नहीं देखोगे तो जगत के रूप मोहित करे बिना रहेंगे। कहा था आपसे दो ही रूप सुंदर है, बाहर में जिन रूप और अंतर में चिद्रूप है। वो जिन रूप भी चिद्रूप भी महिमा दिखा रहे, तो जगत के रूप मोहित करे बिना रहेंगे नहीं। वाह क्या रूप है। अरे रूप नहीं, तेरे रूप को बुलाने वाला है। क्या देखा। और वो एक भाई सोचने लगा, मैं इससे विवाह करूंगा। दूसरा भाई सोचने लगा, मैं इससे विवाह करूंगा। अरे रे, और उधर देखो, उन दोनों ने एक बार देखा और अभी प्रायश्चित लेंगे आगे जाकर के। और कमलो सभा ने टकटकी लगा के देखा, कोई पाप तो नहीं लगा। ज्ञानी भी देखा करते हैं जगत को और अज्ञानी भी देखा करता है। ज्ञानी की और अज्ञानी की निगाह निगाह में अंतर है। ज्ञानी ने भी विश्व को दो भागों में बांटा है और अज्ञानी ने भी विश्व को दो भागों में बांटा है। ज्ञानी ने विश्व को दो भागों में बांटा है, बोलो, अपना और पराया। और अज्ञानी ने विश्व को दो भागों में बांटा है, इष्ट और अनिष्ट, अच्छा और बुरा। अरे रे, अच्छा बुरा मानोगे तो दुखी होगे, तो पर को पर जानोगे, सो को स्व जानोगे तो प्रसन्न रहोगे। क्या किया, वो देखने लगे और ये भैया देख रहा है, ये भैया देख रहा है। और उन्होंने, अरे अगर ये इस कन्या के साथ विवाह करेगा तो मैं इसको मार डालूंगा। दूसरा कहने लगा, मैं इसको मार डालूंगा। ओ तीन तीन भव के भाई, तीन चार भव से प्राण, और जरा सी कसाय में तलवार सी खिंचने लगी अंदर अंदर से। और उधर वो बहन देख रही है और इधर ये विवाह की सोच रहे हैं, विवाह करेंगे, घर में प्रवेश करेंगे कि घर से जंगल में चले जाएं। नगर में स्वागत हो रहा है, वो स्वागत नगर में होगा कि अस्वागत जंगल में होगा। प्राता की कथा, प्राता की बेला में क्या वैराग, भीगा वैराग है। जो बहन तो देख रही है, वो बहन भैयाओं की, जब भी भैया वो बहना की ओर नहीं देखेंगे तब वो बहना क्या करेगी। अभी तो वो स्त्री दिख रही है और थोड़ी देर बाद जब बहन दिखेगी तब विरक्तता क्या आएगी। अद्भुत वैराग है और निर्जनों में कैसी अद्भुत साधना है। प्रातः की बेला में अपन इस कथा को पूरा करेंगे, संध्या की बेला में अपन आज प्रारंभ से ही कथा से बड़ी है उसी में अपन इनका गाथाओं को लेते चलेंगे। आज प्रारंभ से ही मदन रेखा कथा प्रारंभ कर देंगे। आप मत सोचना मदन रेखा में माला रोहण है, मदन रेखा में समय सार है, श्रावकाचार है, नियम सार है, वो कैसा है। लोग तो कहते हैं कथाओं में क्या रखा, अरे क्या कहने लगे, इनमें चार वाणी हो गए। ये कथाएं तो भगवान महावीर की वाणी से आई है। वे झूठी झूठी डिब्बों में आने वो डिब्बा जानते हो, टीवी, समझ गए। हम तो डिब्बा में दिमाग को डिब्बा बना दे, उसमें लिखी आएगी तीन घंटा, वो घंटों को महीनों चलता रहेगा वो, और उस पर लिखा होगा इस कहानी का वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। लोग बताते हैं, यानी ये कोरी काल्पनिक है। सास बहू को झगड़ा देखोगे तो सास बहू लड़ने लगेंगी, और क्या हैं? जो आप देखते हो वो आपको दिखता है, ये पुराण बंद हो गए हैं। और ये जो पुराण है भगवान महावीर की वाणी से आई हुई देशना है। इसलिए किसी चिंतनकार ने लिखा है, जैसा आप चित्र देखते हो वैसा आपका चरित्र बन जाता है। इसलिए उस आग वो जंगल में कैसे अपनी शील की सुरक्षा करेंगी, युग बाबू का क्या होगा है, वो कहाँ जाएगा, सती कैसे अपने पुत्र का लालन पालन संस्कार देंगी, कैसे एक जंगल में उत्सर्ग आएगा उससे बचेंगी, माता जी की निकट पहुंचेंगी, यारी का दीक्षा लेंगी। लंबा प्रसंग है, आज वो सत्य पूरा हो जाए, कल अपनी लगभग अंतिम बेला है।
इसीलिए ऐसा ना हो, कई बार लोग सोचते हैं अभी पंडित जी आए हैं दो दिन तो अबे देखते हैं, तीन दिन देखते हैं और चौथे दिन आके बैठे, अरे हमें तो पता ही नहीं। हाँ कई बार ऐसा हो जाता है, इसीलिए भैया हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, आपका वात्सल्य खूब है लेकिन हमारा आगे का कार्यक्रम है, कल तक अपना कार्यक्रम बराबर चलेगा, इसलिए आप समय भी आना।